ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारता फाउंडेशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। सत श्री अकाल, ए आयुषवाणी एट कैफ है। मैं दलवीर सिंह, पूरी दुनिया विच 28 जुलाई नू वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जांदा है। इस दिन नू मनान दा मतलब आम लोकां नू इस बीमारी दे बारे सचेत करना है। हेपेटाइटिस बी दी वजह नाल लीवर च इन्फेक्शन हो जांदा है। लीवर च इन्फेक्शन होण करके कई खतरनाक बीमारियां जिदा लीवर कैंसर, लीवर खराब हो जाना, इथों तक मरीज दी मौत भी हो सकती है। हेपेटाइटिस कई तरह दा हुंदा है ते हरेक दी वजह नाल वखरियां वखरियां समस्यावां हुंदियां ने। हेपेटाइटिस दी वजह नाल पूरी दुनिया विच हर 30 सेकंड विच एक मौत हुंदी है। इस बीमारी दी गंभीरता नूं देखदे होए WHO ने इनू 2030 तक खत्म करन दा जिम्मा लिया है। वड्डे पद्धर ते लोकां नू ए बीमारी हुंदी है पर ओ इस नू जानकारी ना हुंदे होयां एदे लक्षणां नू नजरअंदाज कर दिंदे हैं। हेपेटाइटिस भी दो तरह दा हुंदा है, पहला एक्यूट ते दूसरा क्रॉनिक। शुरुआती 6 महीनिया दा हेपेटाइटिस भी इन्फेक्शन नू एक्यूट मन्या जांदा है। अगर सही इलाज कीता जावे 6 महीने वाला हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जे हेपेटाइटिस बी वायरस टेस्ट 6 महीने बाद भी पॉजिटिव आता है ता ए क्रॉनिक यानी लंबे वक्त तक रहने वाला च बदल जाता है। एदी वजह नाल लीवर सिरोसिस ते लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्यूट हेपेटाइटिस आम तौर ते शुरुआती इन्फेक्शन दे लगभग 12 हफ्ते बाद होण वाले पीलिया तो शुरू हुंदा है। पीलिया दे अलावा मरीज नू उल्टी, मिचली, पेट च दर्द, मांसपेशियां अते जोड़ां च दर्द महसूस हो सकदा है। पर क्रोनिक हेपेटाइटिस च मरीज नू उल्टी, भुख ना लगना, बहुत ज्यादा थकावट, पेट दे उपरले हिस्से सज्जे पासे काफी ज्यादा दर्द ते जोड़ां च दर्द वांग महसूस होना है। ए जरूरी नहीं कि हर मरीज नू एदां महसूस हो। हेपेटाइटिस बी एक वायरस इन्फेक्शन है जेड़ा एक तो दूसरे व्यक्ति दे नाल मिलन नाल फैलदा है। सुरक्षा नाल ना कीता गया शारीरिक संबंध या जिन्नू ए इन्फेक्शन है ओदी भी वर्ती हुई चीज नू जे कोई दूसरा व्यक्ति वर्त ले तां भी ए इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति नू होण दी संभावना वध जांदी है। जे किसे गर्भ दी मां नू ए इन्फेक्शन है ता ओदे होण वाले बच्चे नू भी ए इन्फेक्शन हो सकदा है। हालांकि हेपेटाइटिस बी किसे नू चुम्मन नाल, खांसी, छिक या फिर हाथ मिलान नाल नहीं फैलदा है। ब्लड टेस्ट करवा के हेपेटाइटिस बी दा पता लगाया जा सकदा है। हेपेटाइटिस बी तो बचण दा सब तो वधिया तरीका एदी वैक्सीन लगवाना है। ए वैक्सीन सुरक्षा दे लिहाज नाल काफी कारगर हुंदी है। जेकर तुसी वैक्सीन नहीं लगवाई है और तुसी इस वायरस दे चपेट च आ गए हो तां तुहानू फौरन डॉक्टर कोल जाना चाहिदा है। डॉक्टर तुहानू इस तों बचण लई इम्यूनो ग्लोबुलिन दा टीका लगा सकदा है जिदे करके इस इन्फेक्शन नू शरीर च फैलण तों रोकिया जा सकदा है। हेपेटाइटिस बी एक तों दूसरे व्यक्ति च ना फैले एदे वास्ते कुछ जरूरी गल्लां दा ध्यान रखना चाहिदा है। कदे किसे दा टूथब्रश या शेविंग रेजर दी वरतों ना करो। शारीरिक संबंध बनाउण दे होयां सुरक्षा दा ध्यान रखो। अगर टैटू वगैरह बनवा रहे हो तां साफ सफाई दा पूरा ध्यान रखो। जेकर तुसी इस वायरस हेपेटाइटिस बी दी चपेट च आ चुके हो तां दवाइयां दे नाल नाल खाना पीना ते भी पूरा ध्यान दवो। चंगा खाना ते पीना
चीजा वाली तय पानी वाली चीजा लेनिया चाहिदिया है ताकि शरीर नु बीमारी नाल लड़न दी ताकत मिल सके। शराब दी वरतों तो बचना चाहिदा है क्योंकि शराब लीवर नु नुकसान पहुंचांदी है। अगर तुहाडा किसी होर बीमारी दा पहले इलाज चल रहा है ते डॉक्टर नाल जरूर सांझा करो कि तुसी केड़ी दवाई खा रहे हो क्योंकि कुछ देसी चीजा लीवर दी सूजन वधांदिया है। आस करदा हां तुसी इस जानकारी तो फायदा उठाओगे। ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारता फाउंडेशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है।